हेलो एवरीवन, दिस इज रिंकी, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड नाउ वी हैव अनदर पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज द टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच इज फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन. ओके, दैट मीन इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. ओके, अलॉन्ग विद द प्रोसेस वेयर यू कैन सी दैट कि कैसे एक डीएनए स्ट्रैंड से एमआरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. राइट, तो लेट्स बिगिन. You know that transcription a kind of process where the mRNA molecules are formed, where the mRNA strand are formed from the DNA strand. Okay, now you are very clear. Okay, when the RNA molecule is formed, so there is a three kind of RNA. Okay, which is present in the nature, and this RNA, you know that. It is a ribose. RNA क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है. यू नो दैट आरएनए एंड डीएनए बोथ आर द जेनेटिक मटेरियल. नाउ यू आर अवेयर दैट दिस थिंग. ओके, नेक्स्ट की व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज अ राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, बिकॉज इट इज फॉर्म फ्रॉम द मेनी यूनिट्स, दैट इज व्हाई इट कम्स इन अंडर द पॉलीमर कैटेगरीज. राइट, नेक्स्ट. ओके, अनदर प्रॉपर्टीज जिस बाय द आरएनए दैट इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड. कैसा होता है आरएनए? सिंगल स्टैंडर्ड होता है एंड अनब्रांच. राइट, इट इज सिंगल स्टैंडर्ड, अनब्रांच इन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स. हैविंग अ न्यूक्लियोटाइड नेम्ड एज एडिनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड क्लियर दिस थिंग. ओके, यू नो दैट आरएनए पे थायमिन के प्लेस पे क्या होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है. दैट इज व्हाई इट मेक देयर नेचर एसिडिक. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए? तो इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ आरएनए, तो यस, as function it act as a carrier of coded genetic information. Okay, it coded the genetic information for which purpose? To take a part in the formation of protein and enzyme synthesis. क्लियर? और कैसे फ्लो में? फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल. राइट, इसलिए कहा ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? इनसाइड द न्यूक्लियस. पर ट्रांसलेशन कहाँ होगा? बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए फॉर्म हो रहा है, आरएनए फॉर्म हो रहा है, और आरएनए से ही प्रोटीन की सिंथेसिस होगी. सो वी कैन से दैट ना कि इट एक्ट एज अ कैरियर फॉर कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, फॉर कोडेड जेनेटिक और हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन. ओके, दोज इन्फॉर्मेशन जो कि क्या है? डीएनए से सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो रही है फॉर टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. एंड एंजाइम सिंथेसिस. क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ आरएनए, आरएनए आर डिवाइड इन थ्री कैटेगरी, एंड दीज थ्री कैटेगरीज आर मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए. ओके, मैसेंजर आरएनए नोन एज द एमआरएनए. व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मैसेंजर आरएनए? बिकॉज इट सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द मैसेंजर आरएनए, और इवन इट इज नोन एज अ इन्फॉर्मेशनल.
के इंफॉर्मेशनल आरएनए, क्यों? बिकॉज इट हैविंग अ इंफॉर्मेशन. कौन सी इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, इट इज अ लॉन्गेस्ट और लीनियर आरएनए. वी कैन राइट दिस थिंग ऑल्सो. इट इज लीनियर और लॉन्गेस्ट आरएनए एज कंपेयर टू राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए. ओके, नेक्स्ट, इसके साइज में ना काफी वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं. तो वी कैन से दैट ड्यू टू दी वेरिएशन इन साइज इन सेल, दैट मीन सेल के अंदर प्रेजेंसी, सेल के अंदर प्रेजेंसी इसकी साइज के बिहाफ पर देखी जाती है. तो ड्यू टू दी वेरिएशन साइज में जो चेंजेस देखने को मिल जाते हैं उस बिहाफ पर इज ऑफन कॉल्ड एज HnRNA. एंड HnRNA इज टर्म्ड एज हेटरोजीनियस HnRNA. Why? Because of the variation seen in the size of the messenger RNA. This variation caused the RNA heterogeneous nuclear RNA. Clear this thing? Okay. Next one is a ribosomal RNA. Ribosomes, वो तो generally you know that ribosomes are known as the factories of proteins. Okay. Because it has a ability to code the DNA molecule and form a proteins. Okay. तो ribosomes, ribosomal RNA is firstly, तो it is known as the rRNA. R stand for the ribosomes. Okay. Secondly, it is a structural and catalytic RNA. Okay. Because their role is during the translation having a very important, okay, that is why it is known as a structural and catalytic RNA. ठीक है, why? Because translation में इसका बहुत बड़ा role है. Because due to the presence of ribosomal RNA, it form a peptidal linkage in between of two amino acid. Okay, किसके बीच में? In between of two amino acid, ribosomal RNA form a peptidal linkages. Okay, or during the translation it has a two unit, and these two units are, first one is a larger unit and second one is a smaller unit. Okay, it look like that. Okay, this is the larger unit or this is a smaller unit, right? So this is the ribosomal RNA. Next, these two unit, larger unit and smaller unit, both play a very important role during the translation because of formation of linkage, peptidal linkage, and it has a two subunit also. Larger unit also consists of two subunit and smaller unit also have a two units. Now these two units differ kar jate eukaryotes and prokaryotes. Larger unit have a 60S in eukaryote and 50S in prokaryote. Smaller unit have a 40S in eukaryotes and 30S in prokaryotes. Clear? Next we have, and last is a transfer RNA. Transfer RNA firstly known as a tRNA. Okay, why it is known as a tRNA? Because it actually transfer the information. Okay, it transfer the information. It collect the amino acid from the cytoplasm of cell and transfer this amino acid to the mRNA strand, mRNA molecule, okay? That is why it is known as a transfer RNA, okay? Iske rather, it is also known as the sRNA. And this S stand for the soluble RNA, ठीक है? अगर इसकी length की बात की जाए, तो it is shortest RNA as compared to messenger and ribosomal RNA, okay? Right? Next, it play a very important role because it bring the amino acid and read the genetic code. Okay, ये क्या करता है? Amino acid को लेकर आता है from the cytoplasm of a cell and transfer into a messenger RNA. When messenger RNA put it these amino acid in the coding sequence, okay, तो ribosomal RNA create the peptidin linkages और उसके बाद पोर्ट क्रिएट हो जाते हैं. तो ट्रांसफर आरएनए का सिंपली मीन है, ट्रांसफर आरएनए का सिंपली वर्क है कि उन कोडेड सीक्वेंस के लिए वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रिसीव कलेक्ट करें साइटोप्लाज्म से और ट्रांसफर कर दें. ओके, तो वी कैन से दैट इट ब्रिंग द अमीनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड, राइट? नेक्स्ट, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट लुक लाइक अ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, एल शेप का दिखता है. ठीक है, तो देखो क्या होता है हमारा एल शेप्ड स्ट्रक्चर. If we talk about the structure of tRNA, तो firstly
दिस टीआरएनए हैज अ टू रिकॉग्निशन साइट. ओके, एक और इंफॉर्मेशन है, इट हैज टू रिकॉग्निशन साइट. ओके, एंड दीज टू रिकॉग्निशन साइट, फर्स्ट वन इज अ एंटीकोडोन, ओके, विच इज कॉम्प्लीमेंटरी टू अ कोडोन ऑफ एमआरएनए. ये जो एंटीकोडोन साइट होगी, ये साइट हमेशा एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री होगी. एमआरएनए पे जो भी कोडेड है, जो भी अमाइनो एसिड कोडेड, उसके जो भी कोड है उसका क्या होगा, ये एंटीकोडोन होगा. राइट, आपको पता है ना एडिनिन ग्वानिन वाली कंडीशन. राइट, नेक्स्ट साइट इज, सेकेंड वन इज अ अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट. ओके, इट इज अ साइट वेयर दी अमाइनो एसिड बाइंड. ओके, और ये साइट पे हमेशा एक अरेंजमेंट रहता है, जिस अरेंजमेंट को आप बोलते हो सी सी ए ओ एच थ्री प्राइम एंड. अमीनो एसिड हमेशा इस साइट पर आके बाइंड होते हैं, जो भी जितने 19 अमीनो एसिड जब आएंगे तो इसी साइट पे एक एक करके बाइंड होते चले जाएंगे. तो दिस इज द टू रिकॉग्निशन साइट. नाउ स्ट्रक्चर देखो, इट इज द थ्री प्राइम एंड हैविंग अ सी सी ए ओ एच अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट. ओके, दिस इज द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट एंड हेयर दिस इज द एंटीकोडोन साइट. और यहां पर मान लो हमारा एमआरएनए स्ट्रैंड है. राइट, मान लो यू नो दैट ना एयूजी अ जेनेटिक कोड, जो स्टार्टिंग कोडोन है यहाँ पे एयूजी है हमारा एमआरएनए पे. ठीक है, तो जब टीआरएनए यहाँ पे बाइंड होगा तो जो एंटीकोडोन होगा वो इसके जस्ट एंटीकोडोन होंगे. तो यहाँ पे कौन सी बाइंडिंग होगी भाई, ए किसको बाइंड करेगा, यूरेसिल को. तो यू इज देयर, यू किसको बाइंड करेगा, एडिनिन को. और जी किसको बाइंड करेगा, सी को. तो यहाँ पे जो कोडेड फॉर्म होगी वो किसकी होगी, यूएसी की, बिकॉज इसके अपोजिट एमआरएनए क्या कंटेन कर रहा है, एयूजी कर रहा है. क्लियर हो रहा है? तो दिस इज द एंटीकोडोन लूप या एंटीकोडोन साइट, जो कि दो रिकॉग्निशन साइट है, फर्स्ट वन हेयर एंड सेकंड वन हेयर. क्लियर? इसके रहता है, इट ऑल्सो हैव अ राइबोसोमल अटैचिंग साइट. इस साइट को राइबोसोम अटैच साइट कहा जाता है. ओके, एंड दिस साइट इज नोन एज द डी लूप. ओके, वेयर द एंजाइम आर बाइंड, एंजाइम साइट कहा जाता है. क्लियर? ओके, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर दिस टीआरएनए इज नोन एज द अडैप्टर मॉलिक्यूल. इसको क्या कहा जाता है, अडैप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है. ओके, टीआरएनए कभी भी स्टॉप कोडोन पे आके अटैच नहीं होता है. ओके, याद रखें ये चीज, इट हैज नो स्टॉप कोडोन, इट इज वेरी इसेंशियल फॉर द ट्रांसलेशन. ओके, क्लियर हुआ यहां तक? सो क्लास स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ओके, फर्स्टली तो मैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में डिस्कस कर रही हूं, उसके बाद यूकैरियोट्स में डिस्कस करेंगे. यू नो दैट फॉर ट्रांसक्रिप्शन वी रिक्वायर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. वी रिक्वायर क्या, ऑलरेडी डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है. ओके, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. Okay, we can write this thing. It is a DNA helix. Okay, if we open this structure, so it looks like that. Okay, so it look प्राइम. ओके, अगर मैं ये स्ट्रक्चर का डीएनए का कोई एक पोर्शन क्या करूं भाई, एक पोर्शन ओपन करके देखूं तो इट लुक लाइक दैट. ओके, यू नो दैट फॉर ट्रांसक्रिप्शन वी रिक्वायर द प्रमोटर. तो सो हियर
this is the promoter region, it is the promoter region, this is the region where the actual transcription occur, this is the structural gene, right? Or this one is a terminal, termination site, termination. Okay, this is actually एक segment है इस particular DNA का, जिसको हमने जहां से हमारा DNA mRNA को form करेगा. तो मैं इसको एक complete gene लिख सकती हूँ. It is a complete portion of gene, right? Okay, अब देखो एक और चीज याद रखना, जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है या डीएनए रेप्लिकेट कर होता है ट्रांसफर, तो थ्री स्टेप्स होती हैं. वो थ्री स्टेप्स होती है इनिशिएशन, जहां से इनिशिएशन हो रहा है, इलोंगेशन जहां पे एक्चुअल प्रोसेस अकर हो रही है, और टर्मिनेशन जहां पे प्रोसेस का एंड हो रहा है. ओके, दिस इज द स्टेप जहां से इनिशिएशन स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन हो रहा है. ठीक है, अब यहां देखो क्या होता है. फर्स्टली तो गाइस, ये जो प्रमोटर रीजन होता है ना, ये ऐसे ही नहीं चूज किया जाता है. एक्चुअल में ये यू चूज तभी किया जाता है जब यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस देख रहा हो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में. और ये सीक्वेंस होता है आपका प्रिबनो बॉक्स, जिसको कहते हो TAA बॉक्स. क्या कहा जाता है इसको? प्रिबनो बॉक्स कहा जाता है. प्रमोटर रीजन हमेशा इस प्रिबनो बॉक्स से स्टार्ट होता है, जिसकी लोकेशन क्या होती है, यू नो दैट ना, 5' एंड. हमेशा प्रमोटर रीजन नॉनसेंस स्टैंड के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है, तो वो क्या है, 5' एंड पर अटैच्ड है. ओके, प्रमोटर रीजन आर रिच इन दिस सीक्वेंस TAA. ओके, जब इनिशिएशन स्टार्ट होता है तो दिस स्टेप हेयर सम फैक्टर अटैच टू द प्रमोटर रीजन, एंड दिस फैक्टर इज नोन एज द सिग्मा फैक्टर. इट हैव टू मूव द एंजाइम एंड स्टार्ट द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए हेलिक्स इनसाइड द प्रमोटर रीजन. ओके, तो यहाँ पे हमने एक सिग्मा फैक्टर ऐड करो और आरएनए पॉलीमरेज ऐड करा. ठीक है, आरएनए क्यों सिग्मा फैक्टर? ये क्या करता है हमारे प्रमोटर रीजन में, इस जो प्रमोटर रीजन रिच है TAA रीजन सीक्वेंस है, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, और इसी सिग्मा फैक्टर से हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, उसे इनिशिएट. ये एक होल्डिंग साइट प्रोवाइड करता है किसको? फॉर आरएनए पॉलीमरेज को. तो अब जब हमारा स्ट्रक्चर दिखेगा वो कैसा दिखेगा? सपोज दैट दिस इज द स्ट्रक्चर, 3' एंड द 5' एंड, और दिस इज द 5' एंड 5' एंड 3' एंड, राइट? अब जब हमारा सिग्मा फैक्टर अटैच हो गया है यहाँ पर प्रमोटर पे आके, ये हो गया सिग्मा अटैच. ओके, और ये हो गया आरएनए. आरएनए को कैसे, आरएनए को स्टार कर देती हूँ मैं स्टार की शेप में, दिस इज द आरएनए. ओके, आरएनए मैं स्टार की शेप में कर दू. ठीक है, आरएनए आके बाइंड हो गया प्रमोटर रीजन से. जैसे ही आरएनए प्रमोटर रीजन से बाइंड होगा तो इट फॉर्म द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. When sigma factor and RNA polymerase attach to the promoter region, so it form a complex structure, and this complex structure known as the transcription initiation complex. Clear? जब sigma factor और आरएनए पॉलीमरेज हमारे प्रमोटर रीजन से, क्या है, प्रमोटर रीजन से क्या हो जाए, अटैच हो जाए, तो इट फॉर्म अ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ओके, यहाँ पे कोडिंग कर लेते हैं. मान लो यहाँ पे हमारा ए है, टी है, अभी जो डीएनए स्टैंड है ना, ये सी है हमारा, जी है, टी ए सी जी टी. ओके, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट. अब क्या हुआ भाई, प्रमोटर रीजन पे आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया, सिग्मा फैक्टर अटैच, सिग्मा फैक्टर ने बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करा दी. नाउ इलोंगेशन स्टेप इज स्टार्ट. व्हेन इलोंगेशन स्टेप इज स्टार्ट, तो यहां पे लिख लो इलोंगेशन. व्हेन इलोंगेशन स्टेप इज स्टार्ट, तो एक्सपोजर ऑफ आरएनए बेस पेयरिंग इज स्टार्ट ऑल्सो. ओके, तो यू नो दैट एमआरएनए स्टैंड अप फॉर्म स्टार्ट हुआ, तो अब इसकी जब कोडिंग होगी तो कैसे कोडिंग होगी,
दिस साइड इज ए तो यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा, दिस साइड इज टी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एडिनिन, सी जी सी एडिनिन, यू जी सी एंड एडिनिन. ओके एमआरएनए स्ट्रैंड इज फॉर्म, क्लियर यहां तक? इलोंगेशन स्टेप इज कंप्लीट, आफ्टर दैट टर्मिनेशन स्टेप इज स्टार्ट. ओके सेल रिक्वायर्ड सम टर्मिनेटिंग फैक्टर और दीज टर्मिनेटिंग फैक्टर इज नोन एज अ रो फैक्टर. ओके इन फैक्टर्स को क्या कहा जाता है? रो फैक्टर विच एक्ट एज अ टर्मिनेटर. ओके दो स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए स्ट्रैंड. ओके जो क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं एमआरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस को और एक नेसेंट आरएनए हमारे पास फॉर्म हो जाता है. न्यूली कंफर्म्ड आरएनए को क्या कहा जाता है? नेसेंट आरएनए कहा जाता है. ओके नाउ रो फैक्टर अटैच टू दिस स्ट्रैंड एंड टर्मिनेट दिस स्ट्रैंड एंड फॉर्म अ नेसेंट आरएनए. ओके न्यूली सिंथेसाइज आरएनए विच रिमेन बाउंड टू द डीएनए फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, तो उसको क्या कहा जाता है? नेसेंट आरएनए कहा जाता है. ओके नेसेंट आरएनए क्या होता है? दोज न्यूली फॉर्म्ड आरएनए जो कि फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे डीएनए से अटैच रहता है, जब तक रो प्रोटीन आ रही है उसको कट कर रही है तब तक उसको क्या कहा जा रहा है? नेसेंट आरएनए. क्लियर दिस थिंग? ओके तो ये तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस होगी, इनिशिएशन हो गया, एलोंगेशन हो गया, टर्मिनेशन, यहां तक क्लियर हो गया. अब देखो अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया के केस में एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम अ एक्टिव. ओके और इवन इनका जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वो एक ही प्लेस पे होता है. ठीक है दैट मीन जब मैं अगर बैक्टीरिया के ट्रांसलेशन की बात करूं तो ये कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं करता, इजीली ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है. लेकिन वही केस अगर मैं यूकैरियोट के केस की बात करूं तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल जाती है जो कि अभी हम डील करेंगे. ओके इफ वी टॉक अबाउट द बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन तो दीज आरएनए पॉलीमरेज जो कि पूरे ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म कर रहा है, इट ओनली कैपेबल फॉर कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन व्हेन इट हैव अ सिग्मा और रो प्रोटीन. ओके ये तभी एक्ट होगा, तभी एक्टिवेट होगा जब इट हैविंग अ रो प्रोटीन एंड द सिग्मा फैक्टर. ये दीज टू आर द प्रोटीन्स जो कि इनिशिएट कर रही है ट्रांसक्रिप्शन को और टर्मिनेट कर रही है ट्रांसक्रिप्शन को. क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इफ वी टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. ओके एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी सुनो, प्रोकैरियोटिक में कोई एनवलप नहीं होता है ना, इसलिए जो प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है दोनों ही साइटोप्लाज्म में देखे जाते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोट के केस में बात कर रही हूं मैं, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑलवेज अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बिकॉज इट हैज नो डेफिनेट फेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. इसके पास कोई डेफिनेट फेज नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज व्हाई दीज टू सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल. ओके एंड इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली अगर होती है इसलिए इसको कपलेट भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कपलेट. प्रोकैरियोटिक के केस में बता रही हूं इट इज कॉल्ड एज अ कपलेट रिएक्शन. ओके एंड वन मोर पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है कि इन प्रोकैरियोट्स एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर्ड एनी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस. ओके जैसे रो प्रोटीन कट किया ऐसी एमआरएनए ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर देता है. यूकैरियोटिक के केस में वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस को अचीव करता है तभी ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है. लेकिन प्रोकैरियोट के केस में जैसी रो प्रोटीन आती है उसको कट करती है, ये स्टार्ट कर देता है हमारा क्या? ट्रांसलेशन. क्लियर? तो दिस इज द पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन. उनकी प्रोसेस इजी है. ठीक है गाइस, वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज द टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. ओके वो डिस्कस कर लेते हैं. सो क्लास, दिस इज टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हमारी वीडियो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन की होगी है. मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूंगी. ठीक है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ. टिल देन कीप लर्निंग दिस थिंग एंड यस ऑफ कोर्स स्टे सेफ. थैंक यू.